हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम लोग गुरु नीति सीरीज लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें 33 वीडियोस बनाए जाएंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज। और हर वीडियो में स्टूडेंट हम लोग लगभग 20 क्वेश्चंस लेंगे जो आपको जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में हेल्प करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम प्रशस्त जैन, सीनियर फैकल्टी मैथमेटिक्स, CLC सीकर। माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता, CLC सीकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को लॉगरिथम की एक इनइक्वालिटी दी गई है, जिसमें एक तरफ हमें बेस दे रखा है 0.3 और एक तरफ बेस दे रखा है 0.09। नाउ जब तक हम लॉग की इनइक्वालिटी को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक दोनों का बेस सेम हो। सो व्हाट वी विल डू, लॉग एक्स माइनस 1 बेस 0.3 इज लेस देन दिस 0.09 इज इक्विवेलेंट टू 0.3 होल स्क्वायर। इसको हम जब 0.3 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो 0.3 की पावर 2 बाहर की तरफ डिनोमिनेटर आ जाएगी, दैट इज 1/2। अब इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे और वो 2 हमारे पास में x माइनस 1 की पावर पे चला जाएगा। तो इधर हमारे पास बचेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर और इधर हमारे पास बचेगा x माइनस 1। नाउ सिंस बेस इज 0.3 विच इज लेस देन 1, तो इस केस में स्टूडेंट हम लोग करते क्या है, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करे करना है। बेस अगर 1 से लेस है तो इनइक्वालिटी का साइन बेटा चेंज करना आपको। दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर हमारे पास में बेस 1 से छोटा है तो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन वी विल कीप द साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम। ओके, सो नाउ बस इस इनइक्वालिटी को हम लोगों को सॉल्व करना है और इस इनइक्वालिटी को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं इसे और दोनों में हम x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं। सो हियर वी विल गेट x माइनस 1 एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट माइनस 1, सो इट बिकम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन 2 से इनफिनिटी। बट वी हैव टू व्हाट, इसमें जो लॉग का नंबर है वो x माइनस 1 है, सो नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो देन x ग्रेटर देन 1, तो जो भी आंसर है वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होना चाहिए। so, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा 2 से इनफिनिट। तो इसका सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, तो लॉग का हमारे पास में एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे और वी विल टेक लॉग एट बेस 2, सिंस जो टर्म्स पहले से लिखी हुई है उनका बेस भी हमारे पास में 2 है। तो हमने दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग एक्स टू द पावर दिस मच, तो ये पावर हमारे पास नीचे उतर के आएगी और लॉग एक्स बेस 2 हमें काफी बार दिख रहा है, लेट अस सपोज इट लैम्डा, सो इट बिकम्स 3/4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 5/4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स बेस 2 विच इज अगेन लैम्डा एंड इट इज लॉग रूट 2 बेस 2 दैट इज लॉग 2 बेस पावर 1/2, सो इट बिकम्स 1/2। ओके, नाउ ये एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास बन रही है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग 4 लेते हैं, यहां पर हम लोग 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3 लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए ये एक क्यूबिक है तो हीट एंड ट्रायल से हम इसे सॉल्व करेंगे। लैम्डा को जैसे हम लोग 1 रख रहे हैं तो दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक फैक्टर हमारे पास में स्टूडेंट इस इक्वेशन का हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, बचा हुआ फैक्टर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे नॉर्मल मेथड से तो इसका ये कोशेंट होगा वो सेकंड फैक्टर हो जाएगा बेटा। और इसके फैक्टर हो रहे हैं स्टूडेंट हम लोगों के पास में देखिए 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 1। एक पॉइंट हम लोगों के पास में ये आ रहा है log x बेस 2 इक्वल्स टू 1 सो x इक्वल टू 2, तो यहां से तो हम लोगों को मिल रहा है स्टूडेंट x इक्वल्स टू और इसके फैक्टर करोगे आप तो एक फैक्टर तो होगा बेटा लैम्डा प्लस 2 एंड सेकंड फैक्टर होगा 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 एंड लैम्डा इक्वल टू माइनस के 1/3। आपने लैम्डा को क्या लेट किया था, लॉग 2 बेस x, तो लॉग 2 बेस x इज माइनस 2 देन x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 2 की पावर माइनस के 1/3 तो सो इट इज 1/8
और ये जो मोड के अंदर वाला पार्ट है ये जीरो का होगा व्हेन y इक्वल टू 1, तो आपको इसको जीरो और 1 पे बेटा स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट केस अराइज करोगे आप इफ y लेस देन इक्वल टू 0, फिर सेकंड केस लेट करोगे आप y बिलोंग्स टू 0 से 1, और थर्ड केस लेट करोगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसके बाद देखो, देखिए पहले केस में हम लोग y को 0 से छोटा लेके चल रहे हैं, मोड को हमें नेगेटिव साइन से ओपन करना होता है अगर अंदर का नंबर खुद नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव साइन से ओपन करना होता है अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो। तो वाई को अगर हम लोग जीरो से छोटा लेकर के चल रहे हैं तो टू रेस टू दी पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू रेस टू दी पावर वाई माइनस वन माइनस वन इक्वल्स टू टू रेस टू दी पावर वाई माइनस वन प्लस वन। सो ये कैंसिल आउट हुआ, वन उधर जाएगा तो टू रेस टू दी पावर वन माइनस वाई इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू माइनस वन। और ये जो हमारा आंसर आया है ये इस केस में को सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज ए एक्सेप्टेबल आंसर। दूसरे केस को सॉल्व करने के लिए y को 0 से 1 लेना है तो y पॉजिटिव है तो 2 रेस टू दी पावर y, ये पॉजिटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 रेस टू दी पावर y माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर y माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हुए, माइनस 1 उधर गया 2, तो y इक्वल टू 1, तो एक आंसर आ गया y इक्वल टू 1। फिर थर्ड केस है y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y जो 1 से ग्रेटर होगा तो बोथ मोड आर पॉजिटिव, तो उसको लिखोगे बेटा 2 की पावर y माइनस 2 की पावर y माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर y माइनस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना है, 2 की पावर y ये माइनस है, माइनस को राइट में शिफ्ट करोगे तो क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ 2 की पावर y माइनस 1, और ट्वाइस ऑफ 2 की पावर y माइनस 1 इज अगेन 2 की पावर y, और माइनस माइनस प्लस वन से प्लस वन कैंसिल, तो फाइनली क्या आ गए 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर y, दिस पार्ट इज ऑलवेज ट्रू, इसमें y की वैल्यू कुछ भी लेट करो आप तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो जब भी किसी भी केस को सोल्व करने पे ट्रू आता है तो जो आपने केस क्या कंसिडर किया वही आपका फाइनल आंसर होगा, तो इसका एक आंसर आ गया बेटा 1 से इन्फिनिटी, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास मॉड की एक इनइक्वलिटी है, अगेन इसमें एक मॉडुलस हमको दिख रहा है और इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस टू, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में रिंकेश सर ने समझाया कि अंदर का नंबर जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन से और नेगेटिव हो तो नेगेटिव साइन से, सो वी विल टेक माइनस टू एज क्रिटिकल पॉइंट एंड दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस। फर्स्ट केस में हम लोग एक्स को माइनस टू से छोटा मान के चल रहे हैं, एक्स अगर माइनस टू से छोटा है तो हम इसको नेगेटिव साइन से खोलेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, और सेकंड केस में स्टूडेंट हम लोग x को माइनस दो से बड़ा मान के चलेंगे तो ये हमारे पास में पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो इट विल माइनस x माइनस टू प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। नाउ आपको जस्ट एक इस इनइक्वलिटी को इजीली सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा हम उसमें से केवल उस पोर्शन को एक्सेप्ट करेंगे जो कि माइनस टू से छोटा होगा, क्योंकि ये मानते हुए ही हम लोग ओपन कर रहे हैं, और इसी तरह से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम केवल उस आंसर को एक्सेप्ट करेंगे जो कि माइनस टू से बड़ा होगा, और ऐसा करने पर स्टूडेंट आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, तो कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद से करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए स्टूडेंट, 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 हमको दिख रहा है, हमें इसके फैक्टर करने होंगे, तो इसके फैक्टर हम लोगों को मिलेंगे एक्स प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7।
सो जैसा रिंकेश सर ने बताया 2x plus 3 into 3x plus 7. ये हम लोगों को इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं इक्वल टू 4 माइनस 3 log 2x. दिस इज 2x plus 3 का होल स्क्वायर. ओके 2x plus 3 का होल स्क्वायर. तो आप मल्टीप्लाई मिला सकते हो. अब देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ से एक दो बातें समझ पा रहे हैं. पहली बात तो ये है कि 2x plus 3 पॉजिटिव है क्योंकि वो इस लॉग का मॉड्यूल बेस में लिखा है और 3x plus 7 भी पॉजिटिव है. तो इससे आगे ये दोनों नंबर x greater than minus की 3 by 2 और दिस पार्ट को पॉजिटिव करोगे बेटा तो x greater than minus की 7 by 3 मतलब जो भी आंसर है आपको इन दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए. अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे तो एक तो आएगा log 2x plus 3 base 2x plus 3 which is 1 और सेकंड आएगा हम लोगों के पास में log 3x plus 7 base 2x plus 3. तो लिख देता है 3x plus 7 बेस में 2x plus 3 equals to 4 minus 2 times log 2x plus 3 बेस 3x plus 7. अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि ये दोनों नंबर ये नंबर और ये नंबर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो किसी एक को हम लोग लैम्डा कॉल कर देंगे दूसरा अपने आप ही 1 by लैम्डा हो जाएगा. जैसे अगर मैं स्टूडेंट इसको लैम्डा बोलता हूं तो ये हम लोगों के पास में 1 by लैम्डा हो गया. अब देखिए ये एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 2. तो इसको वन साइड कन्वर्ट करोगे तो आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. तो इसके फैक्टर करोगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू और फिर लैम्डा की वैल्यू आप पुट करोगे दिस पार्ट. तो इसको पुट करने पे आ गया लॉग ऑफ बेस में 2x plus 3 इनटू इसका नंबर 3x plus 7 इक्वल टू 1. इसको उधर शिफ्ट करोगे तो फाइनली आ गया 3x plus 7 इक्वल टू 2x plus 3. तो इसको सोल्व करने पे आ गया x इक्वल टू माइनस 4. बट जो डोमेन की कंडीशन है तो x को माइनस 4 लेने पे ये बोथ पार्ट क्या होंगे नेगेटिव. तो ये आंसर तो क्या हो गया रॉन्ग. तो फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको टू आंसर्स मिलेंगे. यानी कि इस वक्त हम लोगों को यहां पर 2 लिखना होगा और 2 लिखेंगे तो 3x plus 7 बन जाएगा 2x plus 3 होल स्क्वायर. दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक. उसको सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यूज निकालेंगे. हम x की जो वैल्यूज आएंगी उसको इस पैमाने पर तोलेंगे कि हमारे पास में ये दोनों जो बेस है यानी 2x plus 3 और 3x plus 7 उन पर पॉजिटिव है या नहीं है. तो ऐसा करने पर x की जो दो वैल्यूज आपको मिलेगी उसमें से एक ही वैल्यू एक्सेप्ट होगी दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी. फाइनली हम लोगों को ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर देना होगा. एक ही हमारे पास में फाइनली सॉल्यूशन मिलेगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 6 द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी ऑफ दिस पार्ट. तो इस इनइक्वलिटी में जो बेस है ये 2 अपॉन 5 है और राइट साइड में आ रहा है 25/4. तो उसको आप लिख सकते हो 5/2 का स्क्वायर और ये 2 अपॉन 5 है ये 5/2 है. तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन 2 अपॉन 5 की पावर माइनस 1. और ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब बेस इक्वल हो तो पावर को अपन इक्वल कर सकते हैं. बट इनइक्वलिटी में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को इक्वल करोगे बट अगर बेस 1 से लेस है तो बेटा साइन को चेंज करना है. सो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे 6 - 5x / 2 + 5x एंड - 1 और साइन को कर देंगे हम लोग चेंज. ओके माइनस 2 / 5 की पावर माइनस. अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे 6 माइनस 5x और 2 प्लस 5x को एलसीएम लेंगे तो प्लस 4 प्लस 10x ग्रेटर देन 0. तो ये बन जाएगा हमारे पास में 5x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इनफिनिटी 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2 बाई 5 इसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2. तो माइनस इनफिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 2 अपॉन 5 से इनफिनिटी. आप नंबर लाइन से भी सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा सेकंड. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है एक सिंपल सी इनइक्वलिटी दे रखी है इसको सॉल्व करना है. तो हमको दिख रहा है नंबर लाइन पर हमें तीन क्रिटिकल पॉइंट बनाने हैं. एक है हम लोगों के पास में माइनस 2 एक है 1 एंड 3. जब ऑड पावर होती है तो हम साइन को चेंज करते हैं. इवन पावर के केस में हम साइन को सेम रखते हैं. तो यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट होगा पावर ऑड है साइन चेंज हो जाएगा. इस पे पावर 2 है तो साइन सेम रहेगा. इस पे पावर 2 है तो सेम रहेगा. हम देखिए हमें पॉजिटिव पता करना था
तो हमें मिला 3 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन जितने क्रिटिकल पॉइंट है उनको लास्ट में हम अलग से हमेशा सोचेंगे क्या 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा, नहीं, क्योंकि x equal to 3 रखने पर ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, लेकिन 1 एंड -2 आर सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन, सो 1 और -2 को हम लोग अलग से इंक्लूड करना है, सो ये हमारा करेक्ट फाइनल आंसर होगा और ये हम लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x²-10 का मोड <coughs> less than equal to 6, देन कंप्लीट सॉल्यूशन सेट फॉर x। तो एक सिंपल सी मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो एक देखो सिंपल सा शॉर्टकट आपने पढ़ा होगा कि मोड x लेस देन इक्वल टू a, तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x लाइज बिटवीन माइनस a से a। तो ऐसे करोगे तो बेटा ये सिंपल हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, x²-10 इज लाइज बिटवीन -6 से 6। इस -10 को उधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ गया 4, लेस देन इक्वल टू x²≤10+16। और जब इसका बोथ साइड क्या लोगे, स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और जब भी x स्क्वायर का क्या लेना है स्क्वायर रूट, तो क्या लगाओगे बेटा मॉड इज 4, तो अगेन ये आ गया मॉड x लाइज बिटवीन 2 से 4। तो एक शॉर्टकट है उसको भी आप याद रखें कि मॉड x अगर बेटा a टू b है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं अपन, x बिलोंग्स टू -b2-a यूनियन a टू b। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा बोलो, x belongs to -4 से -2 यूनियन 2 से 4, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो लॉग की एक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है, तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि बेस सेल थ्योरम लगाएंगे, तो बेस सेल थ्योरम से हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2 डिवाइडेड बाय log x into log 2 डिवाइडेड बाय log 2x आएगा, log 2x को स्टूडेंट हम लोग लिख देंगे log 2 प्लस log x, log x इधर आएगा log 2 डिवाइडेड बाय log 4x, और log 4x को लिख देंगे log 4 प्लस log of x। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम लोग चाहे तो अपनी इच्छा से कोई भी बेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्वेश्चन को इजी रखने के लिए एक ऐसा बेस सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन काफी इजीली हो। तो यहां पे काफी सारी जगह 2 दिख रहा है, तो हम हर जगह पे बेस को 2 ले लेते हैं। ऐसा करने से क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट काफी इजी होगा, और लॉग एक्स बेस 2 हमें काफी बार दिख रहा है, इसको डिलीट कर दो आप साथ। तो ये हो जाएगा 1/t * 1/1+t = 1/2+t। ओके, सो ये हो गया 2+t = t² + t² t² = 2, देन t इक्वल टू वैल्यू आई हमारे पास में √2 एंड -√2, और t का मीनिंग क्या था log 2 / x, तो से x आ गया 2√2 -√2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। इसके ओनली 2 सॉल्यूशन है, दो ही सॉल्यूशन इसके मिल रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट देखिए ध्यान से समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। वैसे तो हम लोग इसको मॉडुलस में बचे हुए क्वेश्चंस को जैसे सॉल्व कर रहे थे उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट लेके, जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट, तो नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। बट अगर आप एक बार ध्यान से देखें, अगर मैं इस मोड के अंदर जो लिखा हुआ नंबर है उसको ए मानूं, दैट इज x/(x-1) = a, और इसके अंदर जो लिखा हुआ नंबर है उसको मैं बी मानता हूं, तो नाउ व्हाट हैज बीन रिटन इन दिस क्वेश्चन इज दिस इज मॉडुलस ए प्लस दिस इज मॉडुलस बी। नाउ दिस इज, अब देखिए स्टूडेंट ए है हमारे पास में x/(x-1) और बी है हमारे पास x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं व्हाट आई विल गेट इज x² + x²-x, दैट इज दिस, दैट इज राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दी गई है ये कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन है, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी। अब आप सोचिए कि ये इनइक्वालिटी या ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, जब a और b दोनों सेम साइन के होंगे या फिर उनमें से कोई एक जीरो होगा, तो ये हमारे पास में सही होगा। यू कैन चेक विथ योरसेल्फ, एग्जांपल लेकर के आप इसको देख सकते हैं। सो इस इक्वलिटी, अगर ऐसी इक्वलिटी कहीं भी दिखे स्टूडेंट, तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं a into b > 0, क्योंकि अगर a और b सेम साइन के होंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास में पॉजिटिव होगा। तो बस हम लोगों को क्या करना होगा, x/(x-1) × x > 0। देखिए x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब हो गया स्टूडेंट x बिलोंग्स टू 1 टू इनफिनिटी, 1 इसको सेटिस्फाई कर नहीं रहा लेकिन 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें हम लोग 0 को इंक्लूड करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन,
the number of real solution of the equation, एक modulus equation given है इसको solve करना है, तो काफी simple question है। तो पहले इस बाहर वाले mod को remove करूँ तो क्या गया है? X plus 7 का mod plus 10 equal to mod को open करते हैं तो क्या लिखते हैं? Plus minus 3। एक बार taking plus लोगे तो taking plus पे आ गया X plus 7 का mod equal to 3 minus 10 is minus 7। और जब taking minus लोगे आप तो क्या आ गया बोलो? X plus 7 का mod equal to minus 13। But mod की value कभी negative हो सकती है क्या? No। एक सर आपसे मैं आपसे एक query करना चाहूंगा जो बहुत से students को भी doubt आता होगा। देखिए क्या हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि इस mod के अंदर लिखा हुआ जो number है that is modulus of x plus 7 plus 10 वो already positive है। तो अगर हम इसको open करते हैं तो modulus x plus 7 plus 10 equals to 3 and minus 3, but minus 3 को तो हम शुरू में ही reject कर सकते हैं। yes, yes. उसको हमें इतना शायद solve करने की ज़रूरत है। क्या सर, क्या ये बात सही है? yes बिल्कुल। चलिए इसको डायरेक्ट पता चल रहा है कि mod is positive और plus 10, तो ये value always 10 से greater होगी, तो ये कभी 3 के इक्वल हो नहीं सकती। तो इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कि इसका नो सॉल्यूशन। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल रहा है सर यहां पर? कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा। ओके चल दिया, अच्छा क्वेश्चन था, समझने को मिला होगा आपको काफी कुछ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक लॉग की इनइक्वालिटी हम लोगों के पास में है। अब इसमें देखिए सर, लॉग की इनइक्वालिटी में हम लोगों को पता है, या किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी में हमें पता है कि हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट यहां हम लोग जानते हैं सर कि ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है दिस इज ग्रेटर देन 1, बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो लॉग के सामने लिखा हुआ नंबर और बेस अगर दोनों 1 से बड़े होते हैं तो दैट लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पॉजिटिव नंबर है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज लॉग 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बेस 2 इज ग्रेटर देन लॉग 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, कीप द इंपॉर्टेंट थिंग इन योर माइंड दैट दिस इज पॉजिटिव, सो दैट इज व्हाई वी कैन मल्टीप्लाई दिस थिंग, अदरवाइज वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस थिंग। अब दोनों तरफ बेस 2 है तो कंपेयर करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 1 प्लस x स्क्वायर। आपको रूल याद होगा, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बेस 1 से बड़ा है साइन को सेम रखेंगे। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। एक इनइक्वालिटी ये हो गई जिसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस ये भी है कि लॉग के सामने के नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और थर्ड चीज कि 1 प्लस x स्क्वायर इज आल्सो पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात और समझाना चाह रहा हूं। एक चीज तो ये हो सकती है कि हम तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले फाइनल आंसर हमें मिलेगा, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट इसको, तो देखिए फर्स्ट वाले केस में ये कहा जा रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 is greater than 1 plus x square. Now this is greater than 1. तो इस जब इस inequality को हम लोग solve करेंगे, तो हम 4x square minus x minus 1 को 1 से भी बड़ा मान करके solve कर रहे हैं। तो हम लोगों को second case को solve करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो केवल इसको 0 से बड़ा मान के चल रहा है। That is कि इसका जो solution होगा और इसका जो solution होगा, इस second inequality का जो solution होगा, वो definitely हम लोगों के पास में student इस first वाली inequality का जो है हम लोगों के पास में super set होगा। इसलिए हम लोगों को सेकंड और थर्ड को तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल फर्स्ट को सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। और जब आप फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो इससे सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से माइनस 2/3 यूनियन 1 से इनफिनिटी, बट अपने जो ऑप्शन है उसमें ओनली सबसेट गिवन है, तो इसका एक ही पार्ट है, तो उसको सेकंड ऑप्शन करेक्ट करना। ओके, यानी इसका मतलब यह हुआ कि कंप्लीट सॉल्यूशन तो ये है, बट ये सॉल्यूशन हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सबसेट आंसर देंगे, और सबसेट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द मॉडुलस इक्वेशन। आपको एक मॉडुलस इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो क्या करोगे, बेस अगर 1 हो तो 1 की पावर समथिंग इज ऑलवेज 1। तो फर्स्ट केस तो क्या हो गया कि x - 3 का मॉड इक्वल टू 1, तो इसको जो सोल्व करोगे तो इससे एक आंसर तो जाएगा 4 और एक आंसर आ गया बेटा 2। और सेकंड केस क्या लेते हैं कि बेस कुछ भी हो, पावर अगर 1 0 है तो समथिंग की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो सेकंड थिंग इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करोगे आप फैक्टर करके, तो एक तो आएगा इससे x इक्वल टू 3 और सेकंड इज x इक्वल टू 1/3। बट इसमें जब x को 3 लेट करोगे तो 3 पुट करने पे बेस 0 और पावर भी 0, तो 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, तो एक आंसर तो इसका 1/3 होगा
और टू आंसर के टू एंड फोर। तो उसने पूछा आपसे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा थ्री। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर अंकित सर। अब देखिए ये एक इनइक्वलिटी हम लोगों को दे रखी है, अलजेब्रिक इनइक्वलिटी। इस तरह की इनइक्वलिटी को देखते हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट। देखिए क्या ध्यान रखना चाहिए, इनइक्वलिटीज में हम लोग बिना सोचे समझे स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं। ये बात आपने पढ़ते समय कई बार सुनी होगी, लेकिन अप्लाई करते समय बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। बट हम लोग यहाँ क्या सोचने वाले हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव और राइट हैंड साइड यहाँ पर साइन है लेस का, यानी कि राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है तो x माइनस टू यानी राइट हैंड साइड को मजबूरी में पॉजिटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती थी। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता लग गई कि x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज x इज ग्रेटर देन टू। और चूंकि राइट हैंड साइड अब पॉजिटिव है और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर होता है इनइक्वलिटी में देन वी कैन स्क्वायर। तो हम लोग इजीली यहां पर स्क्वायरिंग कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस सिक्सटीन लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। सबको एक इनइक्वलिटी को हम लोगों को सॉल्व करना है। सो दिस इज टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस एटीन ग्रेटर देन जीरो प्लस ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी ग्रेटर देन जीरो को कैंसिल कर दो उसमें से एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन ग्रेटर देन जीरो, इसके फैक्टर होंगे एक्स माइनस टू और माइनस फाइव हमारे पास में फैक्टर हो रहे हैं, तो माइनस टू टू इनफिनिटी टू टू यूनियन फाइव से इनफिनिटी। ये हम लोगों के पास में इसके सॉल्यूशन बन रहा है, बट हम लोगों को मान के चलना था कि एक्स टू से बड़ा है। सो फाइनल आंसर इज फाइव टू इनफिनिटी। और थर्ड की स्विच करोगे आपकी रूट के अंदर वाला पार्ट होंगे ग्रेटर देन इक्वल। ये तीसरी चीज मैं बोलना बोला इनके से मैं याद दिलाया, माइनस माइनस देन इक्वल टू जीरो सॉरी माइनस सिक्सटीन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो इससे सोल्यूशन आएगा बेटा एक्स बिलोंग्स टू टू से एट, सिंपल है। तो आपको इसका और इस कंडीशन का क्या लेना है, कॉमन पार्ट। तो ये टू से ग्रेटर, तो टू से ग्रेटर ओनली फाइव से इनफिनिटी, और फाइव से इनफिनिटी का इसके साथ कॉमन पार्ट लोगे तो ये आ गया टू से सॉरी फाइव से एट। तो फाइव से एट में आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो फाइव पे ओपन लगाना अपन को और एट पे क्लोज। तो फाइव से एट में टोटल इंटीजर वैल्यू क्या होंगी, सिक्स सेवन और एट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगेन एक मॉड्यूलस की इक्वेशन दे रखी है, तो पहले तो हम सोचते हैं कि क्या किसी शॉर्टकट ट्रिक से हम इसको देख सकते हैं। देखिए अगर मैं स्टूडेंट ए को मानू एक्स स्क्वायर माइनस वन और बी को मानू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो आपको दिख रहा है कि राइट हैंड साइड पर फोर आ रहा है जो कि हमारे पास में ए माइनस बी के बराबर है। इसका मतलब इस इनइक्वलिटी को मैं इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये हम लिख सकते हैं। अब आप सोचिए स्टूडेंट थोड़ी देर इस बात पे कि ये इक्वेशन कब ट्रू होगी, कब ऐसा होगा कि ये इक्वलिटी हमारे पास में एग्जिस्ट करेगी, जरा सोच के देखिए सर। आप इसमें ए एंड बी, ए अगर पॉजिटिव और बी नेगेटिव होगा तो उस केस में सेटिस्फाई कर सकती है, या ए नेगेटिव लोगे तो बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर नेगेटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। ए बी क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसमें आप मॉडल लगा सकते हो तो उससे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको एक कंडीशन और यूज करनी पड़ेगी कि ए ग्रेटर देन बी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ए माइनस बी भी क्या होना चाहिए फिर, पॉजिटिव। बट इस क्वेश्चन में सर मुझे लगता है कि हम लोगों को ये ओबियस सी बात है कि ए जो है वो बी से बड़ा ही है, क्योंकि ए जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है और बी जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। सो यहाँ पर अगर हम ये लिख दें, सर बहुत सही बात कह रहे हैं कि जनरल तो हम लोग अगर ऐसा बनाते हैं तो ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर एक बात और दिख रही है साफ साफ तौर पर कि सिंस ए इज ग्रेटर देन बी सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी। सो ये हमारे पास में स्टूडेंट तब सॉल्व होगा जब हमारे पास में ए पॉजिटिव हो और बी हमारे पास में नेगेटिव हो, तब भी ये हमारे पास में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। साथ में इक्वलिटी जीरो पर हम लोग लगा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, तो टेकिंग प्लस माइनस के बाद आपको लेस देन जीरो वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही आप लेस देन जीरो वाला पार्ट सेलेक्ट करोगे तो उससे करेक्ट आंसर आएगा बेटा दिस। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16।
तो पहले ln की कंडीशन यूज करोगे, 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 देन एक्स लेस देन 1। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, इस इनइक्वालिटी के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है। x प्लस 3 का क्यूब है तो ये आपका माइनस 3 पे 0 होगा, x प्लस 2 माइनस 2 पे 0 होगा, और न्यूमेटर में x प्लस 1 माइनस 1 पे 0 होगा। ये आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ये 0 पे 0, ये 2 पे और ये 3 पे, तो 0 पे 0 आ गया, अगला 2 पे 0 होगा, नेक्स्ट आपका 3 पे, और जो ln 1 माइनस x है ये x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। अब आपको उसमें यूज करना है साइन स्कीम प्लस माइनस का। तो इसमें जो x है इसका कोफिशियंट है माइनस, तो स्टार्टिंग आप करोगे माइनस से, ये मेन पार्ट था। आफ्टर दैट आपको 3 आ रहा है, तो 3 इस फैक्टर की वजह से पावर ऑड है तो साइन चेंज करना है, प्लस फिर 2 है पावर इवन है साइन डज नॉट चेंज तो अगेन प्लस आ गया, फिर 0 है तो 0 एक तो एक्स स्क्वायर की वजह से था और एक एक्स की वजह से था, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ऑड है तो साइन चेंज करोगे नेक्स्ट, और उसके बाद माइनस 1 इसकी वजह से तो ऑड पावर है तो साइन चेंज करना है, माइनस 2 दिस पार्ट की वजह से है अगेन पावर ऑड है तो साइन चेंज करोगे, और लास्ट इज ये x प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 का क्यूब है तो उसको कैंसिल करने पे आ गया x प्लस 3 का स्क्वायर, तो अगेन साइन डज नॉट चेंज। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव पार्ट, तो एक पॉजिटिव पार्ट दिस होगा और एक पॉजिटिव पार्ट ये दोनों होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप आंसर लिखोगे तो नॉर्मल आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस 2 से माइनस 1 यूनियन 0 से 3, और एक कंडीशन है आपका आंसर क्या होगा 1 से ग्रेटर, तो सॉरी आंसर 1 से लेस है, तो ये वाला पार्ट तो रॉन्ग हो गया ना, 2 से 3 था ये, तो आंसर क्या आएगा 1 से लेस, तो और 1 से लेस है तो एक आंसर तो आ गया माइनस 2 से माइनस 1। डिनोमीटर में क्या रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 3, तो डिनोमीटर नॉन जीरो तो x नॉट इक्वल टू माइनस 2 कोमा माइनस 3, तो आप माइनस 2 पे यूज करोगे ओपन ब्रैकेट, तो x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस 2 से माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, नेक्स्ट पार्ट है आपका इसमें 0 से 2, बट आपको 1 से लेट करना है, तो 1 से लेट लिखोगे तो क्या लिखोगे 0 से 1, और 1 पे यूज करना है आपको ओपन ब्रैकेट, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, यहां पर हमको x y z ग्रेटर देन 1 ऐसा कह रखा है और इस लॉग की एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालने के लिए कही है, साथ में एक रिलेशन हमें दिया है कि x स्क्वायर इक्वल टू y z, तो देखिए सबसे सिंपल ये रहेगा, इस बात का मीनिंग ये है स्टूडेंट की वाई एक्स और जेड ये हम लोगों के पास में जीपी बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि x को y इंटू आर मान लेते हैं और z को हम लोग y इंटू आर स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया z। अब ये जो एक्सप्रेशन हमको निकालनी है, अब इसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज रख लेते हैं, यानी x और z को भी y और r के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये हो गया x, हो गया y इंटू आर, फिर y की पावर 4, z हो गया वाई आर स्क्वायर, और z इंटू x का मतलब हो गया वाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब, आर क्यूब वाई स्क्वायर इंटू लॉग, x का मतलब हो गया हम लोगों के पास में y into r, फिर y as it is, now z to the power 4 is y to the power 4 into r की power 8, और x into y का मतलब हो गया y square into r, now this is log y square r cube, अब देखिए सर ये है y की power 6 into r cube, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y square into r cube का cube into log y स्क्वायर r, अब देखिए ये है y की पावर 6 इंटू r की पावर 9, इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर r का क्यूब, तो ये 3 और ये 3 दोनों न्यूमरेटर में बाहर आएंगे, सो दिस इज 9, और आप देखिए स्टूडेंट यहां पे बच रहा है y स्क्वायर इंटू r क्यूब, ये y स्क्वायर इंटू r, ओके y स्क्वायर इंटू r है, और ये भी y स्क्वायर इंटू r, और ये y स्क्वायर r क्यूब, और ये भी y स्क्वायर, यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने, देखिए अल्टीमेटली ये बन गया log y स्क्वायर r y स्क्वायर r क्यूब इनटू log y स्क्वायर r क्यूब और बेस y स्क्वायर, अब देखिए ये y स्क्वायर r और ये y स्क्वायर r और ये सेम है दोनों, और ये y स्क्वायर r क्यूब और ये y स्क्वायर r क्यूब सेम है, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट हमारे पास में 1 होगा, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास में 9 होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 आगे ने इनइक्वलिटी गिवन है, इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल सी इनइक्वलिटी है, तो देखो कैसे करना है इसको,
फर्स्ट कंडीशन यूज करो कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर जीरो कब होगा व्हेन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो एक तो आंसर में क्या नहीं आना चाहिए प्लस माइनस टू, और एक्स माइनस फोर का मॉड है तो अगेन क्या लिखोगे एक्स क्या नहीं सकता आंसर में फोर। इतना करने के बाद देखो क्या करना है, एक लॉग की कंडीशन क्या यूज करोगे कि लॉग का नंबर इज पॉजिटिव तो देन एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो भी आंसर है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो इसके बाद क्या करना है, एक्स माइनस फोर का मोड ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको आप डायरेक्ट जीरो में शिफ्ट कर सकते हो, तो क्वेश्चन रह गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन लॉग ऑफ टेन बेस एक्स अपॉन, इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को यूज करोगे आप एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल आउट तो अपॉन में आ गया बेटा एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। अब आप इस इनइक्विटी को इजीली सोल्व कर सकते हो, तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को नोट करो, एक्स माइनस टू आपका माइनस टू पे जीरो होगा, एक्स प्लस वन बेटा माइनस वन पे जीरो होगा, लॉग टेन बेस एक्स आपका वन पे जीरो होगा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो पे जीरो, प्लस वन आपका इसकी वजह से था तो पावर वन है तो साइन चेंज, जीरो एक्स स्क्वायर की वजह से था तो पावर इवन है तो साइन डज नॉट चेंज, फिर अगेन साइन चेंज करना है क्योंकि पावर ऑड है, तो ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या है पॉजिटिव पार्ट, तो एक पॉजिटिव पार्ट तो आ गया माइनस टू से माइनस वन और सेकेंड पॉजिटिव पार्ट आ गया वन से इनफिनिट, बट आपको जो आंसर है वो जीरो से ग्रेटर लेना है तो ये वाला पार्ट तो रॉन्ग हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा आपका वन से इनफाइनिट, आंसर वन से इनफिनिटी है बट इसमें आपको टू और फोर को इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या लिखोगे माइनस टू कोमा फोर करली ब्रैकेट में, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन में बेटा इसको वन करना था, ठीक है यहाँ पर एक करेक्शन है इसको कर लीजिए वन से इनफिनिटी माइनस टू टू, ये हम लोगों के आंसर। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो काफी डिफिकल्ट सा टिपिकल सा दिखने वाला एक क्वेश्चन है, रूट ही रूट दिख रहा है हम लोगों को और ए और बी के बारे में हम लोगों को पूछा है, तो इसकी टेक्निक इतनी सी होती है स्टूडेंट कि हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो सबसे अंदर वाला रूट है या फिर जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने, इससे फायदा ये होगा कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में हमने अज्यूम किया तो रूट को ओपन करना काफी ईजी हो जाएगा, जैसा विंकेश सर आपको उधर बता रहे हैं देखिए रूट 48 को लिख सकते हो 16 इंटू 3 और 16 का रूट आ गया बेटा 4 रूट 3, अब आपको 13 प्लस 4 रूट 3 को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये आ गया 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये चूंकि 2 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो जब इसका रूट लेंगे सर तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1, नाउ इसको 5 में से सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये बन जाएगा हम लोगों के पास में 4 माइनस में 2 रूट 3 और इस पे भी एक पूरा रूट बना हुआ है और ये 3 प्लस ये एज इट इज हमारे पास में है और ये 2 हमारे पास में एज इट इज बना हुआ है। अगेन आप इस रूट को सोल्व करोगे तो ये क्या चीज है देखो ढंग से, ये रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर है, देखो आप रूट 3 माइनस 1 के स्क्वायर को ओपन करोगे तो बेटा दिस पार्ट आने वाला, इसलिए ये चीज हम लोग ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट रूट 3 माइनस 1, तो ये हो जाता है हमारे पास में 2 टाइम्स 3 प्लस रूट 3 माइनस 1। ओके तो ये 2 हुआ, अब इस 2 को मैं इस रूट के अंदर लेकर के जा रहा हूं और ये 2 रूट के अंदर 4 बन के जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2, 2 इंटू 4 8 प्लस 4 रूट 3 और इस पूरे पर एक अंडर है। अब इसको आप थोड़ा ढंग से देखोगे तो देखो ये 8 ये प्लस 4 रूट 3 है तो इस प्लस 4 रूट 3 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 रूट 3, बट अभी ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है तो इसको क्या करना है 2 को लिखो आप रूट 2 इंटू रूट 2 तो ये आ जाएगा 2 डॉट रूट 2 डॉट रूट 6, तो बेटा ये रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से रूट रिमूव करोगे आपको फाइनली आ गया रूट 6 प्लस, सो ए एंड बी को हम 6 एंड 2 ले सकते हैं, ए प्लस बी आ गया बेटा इससे 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सिंपलीफाई करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 2x टू द पावर log 2 इक्वल्स टू 3y टू द पावर log 3 एंड 3 टू द पावर log x इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर log y, तो पहले स्टूडेंट मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, दोनों तरफ log लिए तो देखिए सेकंड इक्वेशन में मैंने दोनों तरफ log लिया तो log log x log x into log 3
3 इक्वल टू log y इनटू log 2। अब बेस अभी सबका अभी हम लोगों ने सब जगह पे बेस को 10 मान के चला है या e मान के चल रहा है ऐसे मान लीजिए सब जगह 11 है। तो देखिए ये हो गया log x डिवाइडेड बाय log 2 इक्वल टू log y डिवाइडेड बाय log 3। इसको मैं सिर्फ लैम्डा सपोज कर लेता हूं जिससे log x और log y दोनों को मैं लैम्डा के टर्म्स में पुट अप कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन में भी हमने दोनों तरफ log लिया वही बेस log 2x तो उसको लिख दिया log 2 प्लस log x और log x को मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट लैम्डा log 2 इक्वल्स टू log 3 इनटू log 3y दैट इज log 3 प्लस log y log 3 log y को लिख देते हैं log lambda log 3। ये सब जगह पर बेस e पर हमने log लिया है log 2 कॉमन लो इधर से log 3 कॉमन लो। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर log 2 और यहां पर log 3 कॉमन है तो log 2 होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू log 3 होल स्क्वायर इनटू 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इसमें कॉमन आ गया तो वो जीरो हो गया। 1 प्लस लैम्डा को कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया ln स्क्वायर 2 माइनस ln स्क्वायर 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे एक तो आ गया बेटा लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 और सेकंड को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा लैम्डा 2 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा 3 का स्क्वायर। तो कभी भी लैम्डा 2 का स्क्वायर लैम्डा 3 के स्क्वायर के इक्वल नहीं हो सकता तो ओनली एक ही सॉल्यूशन है लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 और लैम्डा को माइनस 1 लोगे आप तो उससे क्या आ गया ln x इक्वल टू माइनस के ln 2 माइनस को ऊपर शिफ्ट करोगे तो आ गया ln x इक्वल टू ln 2 की पावर माइनस 1 इज 1/2 ln से ln कैंसिल तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ऐसे ही अपन y फाइंड आउट कर सकते हैं बट आपसे पूछा है x नॉट का मीनिंग x नोट कोमा y नोट लाइक ऑन या सेटिस्फाई दी इक्वेशन तो x नोट की वैल्यू होगी से 1/2 तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट काफी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए इस वीडियो सॉल्यूशन को इस गुरु नीति के पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स सॉल्यूशन को यहीं पर ओवर करते हैं और आने वाले वीडियोस में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए थैंक यू।